गुड मॉर्निंग सर। हाँ आशुतोष जी, मैंने उसको डिस्कनेक्ट करके हॉटस्पॉट के साथ ही लिंक कर दिया, प्रॉब्लम देगा नहीं तो। जी जी ठीक है, ठीक है सर, बस वी विल बिगिन विद इन 30 सेकंड्स। जी जी पूरे 10:30। मुझे तो वैसे बड़ा डर लगे जरा, इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में मेरे को आप फंसा देते हो। आप सभी लोग यूनिवर्सिटी से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रिसर्च स्कॉलर्स, मैं एक आम आदमी क्या बताऊं आप लोगों को, क्या सिखा सकता हूं। नहीं नहीं जनरल साहब, आपने बहुत बड़े जो है ना इंस्टीट्यूशंस को चलाया है, लेट अस सी। तो चलिए, समय हो गया है, तो लेट अस बिगिन। आज की इस परिचर्चा में, जो कि भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा सेंटर फॉर एथिक्स फिलॉसफी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्री नॉलेज एंड अंडरटेकिंग ऑफ आंगिरस क्लैन चंडीगढ़, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है और उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे साथ ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी, वो हमारे साथ परिचर्चा में उपस्थित हैं, और साथ में प्रोफेसर डॉक्टर शुचि स्मिता जी, जो डायरेक्टर हैं गुलजारी लाल नंदा सेंटर फॉर एथिक्स एंड फिलॉसफी की, वो उपस्थित हैं, और हमारे आज के रिसोर्स पर्सन मेजर जनरल ए के शौरी, एडिशनल DGP APS, वो इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं, और आप सभी लोग जो प्रतिभागी हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारा कार्यक्रम लिखा हुआ है, उसमें मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, लेकिन हम सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का लाभ भी ये है और इस तरह की परिचर्चा करने का अर्थ भी ये होता है कि हम समय को भी बचाएं, अपनी एनर्जीज को भी बचाएं, और बाकी हम जिस दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं उस दिशा का हम विस्तार करें। तो ये परिचर्चाएं वस्तुतः अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए है, अपनी बुद्धियों को प्रेरित करने के लिए है, और हमारी दृष्टि जो संकुचित रहती है अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ा करके और कभी किसी दूसरे विषय के साथ हम संवाद नहीं कर पाते, तो ये परिचर्चाएं हमें उस बात के लिए भी प्रेरित करती हैं कि हम कैसे दूसरे विषय के साथ चर्चा कर सकें, नहीं तो अपने अपने विषय में तो सभी रहते हैं। तो इसका संदर्भ मैं स्पष्ट करता हूं और उसके बाद मैं आज के मुख्य वक्ता से आपका परिचय कराऊंगा। स्क्रीन के ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और विकसित भारत, ये दो कॉन्सेप्ट आरंभ हुए थे। तो विकसित भारत का मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसके अंतर्गत IKS नाम का एक विषय जो है उसको प्रतिपादित किया गया था, उसको आरंभ करने के लिए कहा गया, और कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको लागू करने की व्यवस्थाएं की, लेकिन अभी तक इसका जिस तरह का सिलेबस हमारे सामने आ रहा है वो सिलेबस ना तो कोई बहुत प्रभावी है और ना ही उसकी कोई अनुप्रयुक्तता, एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, वो हमें देखने को मिली। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्री नॉलेज और गुलजारी लाल नंदा इंस्टीट्यूट ने मिलकर के इस विषय को अग्रसर करने का प्रयास किया है, ताकि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इस विषय में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इस सारे के ऊपर जो चर्चा है उसके ऊपर काम करने का हमारा ये प्रयास है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप एक व्यापक विषय के बारे में बात करते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उस परंपरा से आप समझते क्या हैं, दूसरी बात है क्या आप उसकी शब्दावली से भी परिचित हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है वो लोग ना तो उससे परिचित हैं ना उसके बारे में उसकी बैकग्राउंड उनको क्लियर है, क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट में जिस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई है, हम अपनी भाषा, अपनी शब्दावली, अपने संदर्भों को हम ठीक से नहीं समझ पाते। तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जब हम इकोनॉमिक्स पे चर्चा करेंगे, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, इन सब विषयों के ऊपर जब सोशल साइंसेज पे चर्चा करेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम भारतीय संदर्भों में इन विषयों पर बात कर सकते हैं और कौन से उन विषयों को हम अप्लाइड बना सकते हैं। तो इस बात को जानने के लिए
ज्ञान परंपरा के शास्त्रीय एवं लोक पक्ष का पारस्परिक संबंध कैसा है और क्या है, इसकी शब्दावली अवधारणाएं और परिभाषाएं और व्यवस्थाएं क्या है, इनके ऊपर हम आज चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर मुझे लगता है एक प्रयोग है। तो ये प्रयोग कितना सफल होता है ये हम सभी की सामूहिक प्रयास पे निर्भर करेगा। अब एक बात आप एनईपी की हम देख लें, क्योंकि मैंने उसका रेफरेंस दिया था आपको कि विकसित भारत का मैं यहाँ नहीं रेफरेंस दे रहा, लेकिन एनईपी 20 में भी आप लोगों को प्रेरित किया गया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस पे कितना काम हम लोगों ने किया या कर पाए हैं, क्योंकि उसमें ये कहा गया द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट विल गाइड बोथ एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एज वेल एज द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद इन इट आर ए रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया एंड इट्स रिच डाइवर्स एंशियंट एंड मॉडर्न कल्चरल नॉलेज सिस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो मुझे मालूम नहीं है कि कितनी यूनिवर्सिटीज ने अभी तक इन चीज़ों को लागू करने का गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किया है और कितनी सफलता उसमें मिली है। तो ये हम एक प्रयास करने जा रहे हैं, जहां पर उसी के चौथे पेज पर जब लिखा गया है इंस्टीलिंग नॉलेज ऑफ इंडिया एंड इट्स वेरिड सोशल कल्चरल टेक्नोलॉजिकल नीड्स इट्स इमिटेबल आर्टिस्टिक लैंग्वेज नॉलेज ट्रेडिशंस एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एथिक्स इन इंडियाज यंग पीपल इज कंसिडर्ड क्रिटिकल फॉर पर्पसेस ऑफ नेशनल प्राइड सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ नॉलेज कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन। तो मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन काफी है आज के इस वेबिनार को आरंभ करने की, और दोनों इंस्टीट्यूट का जो एकेडमिक कोलैबोरेशन है उसकी ये योग्यता उसकी औपचारिकता की जो बातें हैं उसको सिद्ध करने के लिए ये बातें काफी पर्याप्त हैं। कृपया आप अपना स्क्रीन शेयर ना करें। राजेंद्र शर्मा जी प्लीज अपनी स्क्रीन को हटा लीजिए, नहीं तो मुझे प्रदीप जी आप प्लीज इनकी स्क्रीन को ऑफ करें, नहीं तो मुझे भी गलत है ये। कृपया इतने एथिक्स तो हमें होने चाहिए कि जब आप वेबिनार्स इतने हम लोगों ने कर लिए हैं, हम लोगों को पता है कि यहाँ पर किस तरह का हमारा व्यवहार रहना चाहिए। प्लीज आप अपनी स्क्रीन को विड्रॉ कीजिए। आप मुझे रीलॉन्च करनी पड़ेगी, कृपया ऐसा ना करें मैडम। देखिए सारा अपसेट हो जाता है, इस तरह की छोटी छोटी बातें होती हैं। चलिए मैं दोबारा, चलिए जो ये मैं बात आप लोगों से साझा कर रहा था कि ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसके विषय में हम बात आज करने जा रहे हैं, जिसकी पहली कड़ी है, और अगर आप सबको ये सफल लगेगी तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आप ये देखें कि भारतीय ज्ञान परंपरा का क्या प्रश्न क्या है, कि क्या भारतीय ज्ञान परंपरा का इन सभी विषयों को कोई योगदान हो सकता है, क्या आपने कभी इस दृष्टि से विचार किया है। तो अगर आप यहाँ पर IKS को रख लें सेंटर में, तो उसका साइकोलॉजी को ज्योग्राफी को एनवायरनमेंट साइंसेज इकोनॉमिक्स वुमेन स्टडीज पोल साइंस मैनेजमेंट और ये जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेज, इनको कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये हमारा आज से हम इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस सारे विषय के ऊपर काफी काम कर चुके हैं, आपको हम डाटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन एरियाज उसकी थ्योरीज इन सब चीजों को हम समय समय पर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते से पूर्व आज के विषय की ओर मैं एक आध पंक्ति कहकर के आप लोगों को से परिचय कराऊंगा आज के मुख्य वक्ता का। देखिए सामान्य रूप से हम सभी नियंत्रित हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से और कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स इनकी हम चर्चा करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस लॉ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते हुए कभी अपनी भाषा अपने साहित्य अपनी परंपरा पर कभी ध्यान दिया? आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको यहाँ पे गोल्स मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिसीज आप देख सकते हैं और आप अपने राइट्स देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये सारी चीजें यहाँ पर हैं।
मुझे इनको गिनाने की जरूरत नहीं है और समय इससे बच जाएगा। लेकिन कभी कभी वो संस्कृत, वो हमारी परंपरा की भाषा, वो परंपरा के विचार, उनको हम कभी देख लें, जहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि संस्कृत में एक राजा क्या कहता है, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्ने न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। और इसको आप कंपेयर कीजिए अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। राजा क्या क्लेम कर रहा है, और यही चुनौती हमारे सामने है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये डिक्लेयर कर सकती है कि मेरे जनपद में, मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, आपने देखा आज तक पिछले 70-80 वर्षों में, न कुत्सित व्यवहार करने वाला, परवर्टेड बिहेवियर वाला, न मद्यपाई है। हालांकि गुजरात में जरूर वहां पे लागू है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं वस्तु स्थिति क्या, ना कोई गृहस्थी ऐसा है जिसके अग्नि स्थापित ना हो, यानी कि कोई भूखा नहीं है, अग्नि स्थापित होने का मतलब है कि जिसके घर में किचन ना हो, ना कोई अविद्वान पढ़ा लिखा कोई ना हो, ऐसा नहीं है, न स्वेच्छाचारी पुरुष, तो स्वेच्छाचार करने वाली स्त्री कहाँ होगी। ये राजा बोल्ड डिक्लेरेशन दे रहा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस में इन चीजों को हम कभी ऐड कर सके। चलिए 40 नंबर का नहीं, 5 नंबर का तो कभी हमने ऐड करने का प्रयास किया। तो ये चुनौती है, और इस चुनौती और जो हमारी वर्तमान रियलिटी है, उन दोनों के बीच में आईकेएस क्या रोल जो है वो हमें उसका रोल कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उस सारे पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के जिस विद्वान व्यक्ति को, जिस विद्वान वक्ता को हमने आमंत्रित किया है, वो है मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, जो कि फॉर्मर एडिशनल डीजी रहे हैं आर्मी पोस्टल सर्विसेज से, और 1982 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, और उसके बाद 21 वर्ष जो हैं उन्होंने आर्मी में सर्व किया है, और आर्मी पोस्टल सर्विसेज कॉर्प्स जो है उसके एडीजी रहे हैं, और उसके बाद टॉप मोस्ट पोस्ट जो मेंबर ऑफ पोस्टल बोर्ड होता है, उस वहां से वो 2016 में रिटायर हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 100 से अधिक आर्टिकल्स जो सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर उनके पब्लिश हुए हैं लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, और उनके जो विशेष रुचि है वो बिहेवियरल साइंसेस और गुड गवर्नेंस में रही है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने जो गुड गवर्नेंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इन सब विषयों के ऊपर कई वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं। और आपकी जानकारी के लिए मुझे बताते हुए ये बड़ा अच्छा लग रहा है, यदि मैनेजमेंट के कोई लोग यहाँ पर हों तो, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बेस्ड ऑन पंचतंत्र उन्होंने कई वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं कई इंस्टीट्यूशंस में, तो यदि मैनेजमेंट के कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे कभी कि पंचतंत्र से हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कैसे सीख सकते हैं, तो उस सारे विषय पे वो चर्चा कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त उन्होंने 4 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, रामायण के गुड गवर्नेंस पे, महाभारत को लेकर के, और अन्य 2 पुस्तकें उनकी पब्लिश्ड हो चुकी हैं। तो एक लंबा उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एकेडमिक एक्सपीरियंस है, और उसके साथ साथ निरंतर वो अभी भी लिखने के कार्य में लगे हुए हैं, और इसके अतिरिक्त वो अपना एक लिटरेरी लॉन्च भी चला रहे हैं जो बड़ा इस वक्त पॉपुलर है। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शुचि स्मिता, जो कि डायरेक्टर हैं, कि वो सभी का स्वागत करें और सभी को संबोधन करें, और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, गुलजारी लाल नंदा इंस्टीट्यूशन के बारे में वो 2 शब्द कहें, और उसके बाद फिर माननीय वाइस चांसलर साहब। आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अतिथि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, और हमारे देश के सभी सम्मानित नागरिक, मैं सभी का आज के वेबिनार में स्वागत करती हूँ। हमारा केंद्र भारत रत्न गुलजारीलाल नंदा जी, जो कि एक जानी मानी हस्ती रही हैं, सन 2010 से विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया था, और तब से एक संयुक्त तत्वाधान में KDB और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी निरंतर शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से नंदा जी की गांधीवादी विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आज ये आपको बताते हुए कि एक साझा प्रयास रहेगा हमारा
इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज और श्री गुलजारी लाल नंदा सेंटर का कि आने वाले समय में हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर कुछ और वेबिनार भी करेंगे। आज की इस प्रथम प्रयास में मैं सर्वप्रथम अपने चीफ गेस्ट का एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने रखना चाहूंगी। हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हमारे ही विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, जिन्होंने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और बाद में IIT रुड़की और NIT कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध प्रोफेसरों के मार्गदर्शन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करी। डॉक्टर सोमनाथ को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान NIT कुरुक्षेत्र में शिक्षण अनुसंधान परामर्श और प्रशासन का 35 से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति धारक हैं और उन्होंने बोर्ड और विश्वविद्यालय के शीर्ष रैंक के साथ अपनी सभी शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की। उन्हें NIT कुरुक्षेत्र के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में 2005 में परिवहन इंजीनियरिंग में MTech कार्यक्रम शुरू करने और उसमें दो आधुनिकतम प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी। आपको बताना चाहूंगी कि जहां तक अनुसंधान और विकास का संबंध है, उन्होंने 75 से अधिक MTech और PhD विद्यार्थियों को शोध के लिए गाइड किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं, जिनमें से बहुत बहुत उच्च इम्पैक्ट फैक्टर SCI पत्रिकाओं में प्रकाशित है। उनके साथ ही प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों के साथ भी 3 पुस्तकें आप पूर्ण कर चुके हैं। मैं आपका सर स्वागत करती हूं आज के वेबिनार में, और आपने बहुत व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकाला। आप अपना आशीर्वचन दें और हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? हाँ जी सर, क्लियर एंड ऑडिबल। आज के इस वेबिनार में हमारे साथ उपस्थित मेजर जनरल अमित कुमार शौरी जी, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल आर्मी पोस्टल सर्विसेज, प्रोफेसर सुचित स्मिता, आशुतोष जी एवं हमारे विश्वविद्यालय परिवार से और बाहर से जुड़े हुए सभी महानुभाव विद्वत जन। सबसे पहले तो मैं आप सबका आज के इस वेबिनार में अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं मेजर जनरल अमित कुमार शौरी जी का, उनका इस कार्यक्रम में जुड़ने पर विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। अभी आशुतोष जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करी, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारा विश्वविद्यालय पूरे देश का पहला विश्वविद्यालय जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ना केवल अपने यूनिवर्सिटी के UG प्रोग्राम्स में, अभी तो हमारे पास जो 290 के करीब एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके अंदर भी हमने इसको इसके पूरे प्रावधानों के साथ लगाया है और बहुत सफलतापूर्वक हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, ये जो स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरी शिक्षा नीति उससे प्रेरित है, और अगर मैं ये कहूँ कि उसी पर आधारित है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें बहुत सारे इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड जो विषय हैं उनको हमने इसके अंदर समाहित किया है, जो हमारे जो वैल्यू एडिड कोर्सेज हैं इसके अंदर, अंडर द वैल्यू एडिड कोर्सेज उनको इसके अंदर समाहित किया गया है। परंतु ये बात भी ठीक है जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि अभी इनके विषयों के अंदर जो हम कंटेंट्स को टीच कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा काम होना भी बाकी है, और मुझे लगता है कि आज का ये प्रयास उसी दिशा के अंदर एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी ये जान पाएंगे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम से हम समझते क्या है, किस तरह के कोर्सेज, किस तरह के कंटेंट्स को हमें उसके अंदर टीच करना चाहिए। आज के विषय पर आते हुए अगर इसकी बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार सुशासन की अवधारणा, नैतिक नेतृत्व, सामाजिक न्याय, लोगों की भलाई और धर्म का पालन करने पर जोर देती है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के विभिन्न स्रोतों से निकाले गए कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करें तो उनमें से सबसे पहले तो है धर्म। भगवद गीता, रामायण और महाभारत धर्म और नैतिकता आधारित शासन को प्रोत्साहित करते हैं। महाभारत अनुसार धर्म से ही अर्थ उत्पन्न होता है, धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है,
यह सारा संसार धर्म पर ही आधारित है। दूसरा इसके अंदर है धन, यानी कि धन और संसाधन। इसके अंदर हम सब लोग जानते हैं कि कौटिल्य या चाणक्य जी ने हमें एक बहुत बेहतरीन जो अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के नाम से दी, जो कि स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रेटजी पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसमें शासन, प्रशासन, आर्थिक प्रबंधन और कूटनीति शामिल है। तीसरा इसके अंदर है युक्त नेतृत्व, यानी कि उचित और प्रभावी नेतृत्व। वेद और उपनिषद एक अच्छे नेता के गुणों पर जोर देते हैं, जिसमें बुद्धिमता, सत्यनिष्ठा और न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता हो, जो राजधर्म अनुसार अपनी प्रजा की रक्षा करे, कानून और व्यवस्था बनाए रखे और न्याय सुनिश्चित करे। चौथा है इसके अंदर न्याय। न्यायशास्त्र की स्थापना ऐसा माना जाता है कि गौतम ऋषि जी ने की थी। न्यायशास्त्र भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख दर्शनों में से एक है। यह एक निष्पक्ष कानूनी प्रणाली की वकालत करता है। पांचवा बिंदु इसके अंदर है लोक संग्रह, यानी ये लोगों का कल्याण। भगवद गीता समाज की भलाई के लिए काम करने पर जोर देती है, ना कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। अशोक के शिलालेख भी सामाजिक कल्याण, नैतिक आचरण और अहिंसा को बढ़ावा देते हैं। छठा है इसमें संवाद, यानी कि संवाद और सहमति से शासन करना। पारंपरिक ग्राम पंचायत संवाद और सहमति के माध्यम से निर्णय लेने के लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। सातवां इसके अंदर है पारदर्शिता और जवाबदेही। महर्षि शुक्राचार्य द्वारा रचित शुक्र नीति पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रजा के कल्याण पर जोर देती है। और आठवां बिंदु इसके अंदर है पर्यावरण संरक्षण। अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्र हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के सस्टेनेबल यूज के महत्व को रेखांकित करते हैं। अगर हम बात करें कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो इन सिद्धांतों को आधुनिक शासन में लागू करने के लिए हम लोग इस तरह का दृष्टिकोण अपना सकते हैं। पहला तो है नैतिक नेतृत्व। तो अपनी टीम के अंदर जो पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, ऑनेस्ट पर्सन हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है समावेशी नीतियां, अंत्योदय। यह सुनिश्चित करें कि नीतियां समावेशी हों और समाज के सभी वर्गों, विशेषकर हाशिए पर खड़े लोगों को कल्याण को बढ़ावा दें। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी हम इन नीतियों का पालन करते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं और दिव्यांगजन है, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनका ध्यान रखा जाता है। पारदर्शिता और जवाबदेही ये तीसरा बिंदु है। पारदर्शी प्रणालियों की स्थापना करें और नेताओं और सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएं। हम लोग आजकल अपने यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहे हैं, जो कि पारदर्शिता के लिए बहुत ही जो हमारे लिए सफल सिद्ध हो रहा है और अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है, कॉस्ट इफेक्टिव काम भी हम लोग इससे कर पा रहे हैं। चौथा बिंदु इसके अंदर है जन भागीदारी, सहशासन से सुशासन, यानी कि हम इसको पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस भी बोलते हैं। तो जैसे कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी एक नॉन टीचिंग की रिप्रेजेंटेशन रही थी, उसके अंदर भी एक नॉन टीचिंग को रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह हमारी जितने भी यूनिवर्सिटी की बॉडीज हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स को भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई है। पांचवा बिंदु है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करें जो पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देती है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं अपने विश्वविद्यालय के अंदर इसको एक जीरो वेस्ट कैंपस की तरह हम इसको डेवलप करें। छठा बिंदु इसमें सर्वांगीण उन्नति है, ओवरऑल प्रोग्रेस, यानी कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी प्रोग्रेस हो, टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्टूडेंट्स, एलुमनाई, और इसके साथ साथ ही जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं किसी भी विश्वविद्यालय के, एकेडमिक्स है, रिसर्च है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, इनकी सभी की एक ओवरऑल प्रोग्रेस होनी चाहिए। और अगला बिंदु है मौलिकता को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू ओरिजिनलिटी। हमने इसमें कुछ एक अपने फैकल्टी मेंबर्स को एनकरेज किया कि वो एक पेटेंट्स को फाइल करना शुरू करें ताकि उनकी ओरिजिनलिटी की अच्छी तरह से पहचान हो पाए। और मुझे खुशी है कि पिछले 2 साल के अंदर लगभग 60 के करीब यूनिवर्सिटी ने पेटेंट्स फाइल किए और लगभग सभी के सभी पब्लिश हो चुके हैं और 30 के करीब इसमें से ग्रांट भी हो चुके हैं आज की डेट में। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, योगदान का भाव,
ये सभी स्टेक होल्डर्स के अंदर होना चाहिए। इसके लिए हमने कुछ एक अवार्ड्स को स्थापित किया यहाँ पर, और पिछले 3 सालों से हम अपने टीचिंग जो फैकल्टी है उनको, जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे रिसर्चर हैं, उनको अवार्ड्स दे रहे हैं ताकि उनके अंदर ये फीलिंग आए कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत शीघ्र ही अगले 2-3 महीने के अंदर हम इसमें नॉन टीचिंग हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी, जो अच्छे एम्प्लॉइज हैं, अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे ताकि सब लोग ये भाव रख पाए कि वो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा बात ना कहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे को 5-10 मिनट का ही समय दिया था, मुझे लगता है मैंने उसको एक्सीड ही कर लिया। तो बहुत ही रोचक और जानकारी से परिपूर्ण विषय है, बहुत टाइमली है, क्योंकि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लगाने के प्रोसेस में है, इनके विषयों के अंदर क्या क्या टीच करना है, ये सारी चीजें हमारे को इसके लिए गाइड करेंगी। तो मैं जो आयोजक हैं प्रोफेसर सुचित स्मिता जी और आशुतोष जी, आप सभी को अपनी ओर से इस आयोजन की बधाई देता हूं और साथ ही शुभकामनाएं देता हूं कि इसका आयोजन बहुत सफल हो। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय VC साहब, आपने जो बातें कही हैं वस्तुतः वही सब अपेक्षा भी उन्हीं सब बातों की है और वही व्यवहार में भी आनी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमें 2 बातें करनी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये है कि इनको हम जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें कैसे इसको इंक्लूड करवाएं, तो उसके लिए आपस में चर्चा करना बहुत जरूरी है और ये आज का प्रयास उसी मार्ग पर अग्रसर होने के लिए है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि हम सभी की कंडीशनिंग, क्योंकि बचपन से जिस तरह से हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं वो एक खास तरीके से हुई हुई है और हम उससे बाहर नहीं सोच पाते, तो वो डी कंडीशनिंग करने का ये एक आज हमारे पास मौका है कि आज से हम डी कंडीशनिंग करें। और डी कंडीशनिंग के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो हमारी हमारी संस्कृति क्या है, कृषि प्रधान रही है, एग्रीरियन सोसाइटी, एग्रीरियन कल्चर रही है, तो उसकी शब्दावली कुछ और है और जिस कंडीशनिंग के साथ हम लोग आए हैं, जिसे आप बिजनेस और इंडस्ट्री बेस्ड जो लैंग्वेज की कंडीशनिंग हमारी है वो थोड़ी अलग है, तो उन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए हमारा ये पहला प्रयास आज का है और निकट भविष्य में अगर ये आज की बात सफल होती है तो उसको हम अग्रसर करेंगे। तो मुख्य वक्ता को अग्रसर करने से पहले, उनको आमंत्रित करने से पहले, 1-2 बातें और आपके साथ साझा कर लेता हूं कि VC साहब ने जो बातें बताई हैं उसका हम जो सर्वे है हम वहां तक हम काम कर चुके हुए हैं कि हमने सामान्य रूप से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सर्वे कैसे करना है अपनी भारतीय परंपरा के आधार पे, वो मैं आपको 1-2 मिनट में बता के उसके बाद जनरल साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। तो यहाँ पे आप जो शब्दावली देख रहे हैं वो है राजा, राज्य, अमात्य, पुर, दुर्ग, धर्म, कर्म, शासन, अनुशासन, प्रशासन, कर्तव्य, दायित्व आदि, और जो आपकी इंडस्ट्रियलाइज्ड लैंग्वेज है और जो आपके बिजनेस लैंग्वेज है उसमें लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका और ये इस तरह की सारी शब्दावली है। और आप नीचे देखें तो ये आपका UNO का मॉडल है जो कि जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस के लिए दिया जाता है, लेकिन जब आप अपनी भाषा में देखते हैं तो राज्य में कृषि की उन्नति करे, ये राजा को अकाउंटेबल ठहराने की बातें हैं, जनता का सर्वविध कल्याण हो, राज्य में श्री की वृद्धि हो और प्रजा का यानी कि वेलबींग हो। तो आप ये देखें कि आपके पास सब कुछ है लेकिन इसको हम अपने एकेडमिक कोर्सेज में कैसे डालें, और ये सारी बातें हैं। मैं इनको पढ़ नहीं रहा क्योंकि समय थोड़ा सा सीमा का उल्लंघन हो रहा है, तो इसलिए मैं इन सब बातों में नहीं जा रहा। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रजा के सुख में अपना सुख माने, तो ये बार बार कितने बोल्ड टर्म्स में अर्थशास्त्र में है, लेकिन क्या हमने कभी अपने किसी सब्जेक्ट में इस इशू को लगाया, इस श्लोक को लगाया या इसका अनुवाद ही लगाया? तो ये सारी बातें हैं और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो आपको अपनी परंपरा से मिलेंगे कि किस तरह से टू पनिश द विकेट, टू प्रोटेक्ट द गुड, टू एनरिच द ट्रेजरी बाय जस्ट मेथड्स, to render justice impartially to litigants and to protect the kingdom, ये सारी बातें आपको अपनी परंपरा में मिलती हैं, लेकिन हमने कभी इन चीजों को, इन बातों को ना तो कभी गौर किया क्योंकि हमारे एक कंडीशनिंग की गई कि अपनी परंपरा में से कुछ नहीं लेना, जो वेस्ट से आएगा उसी को हम पढ़ाएंगे, उसी को हम समझेंगे। तो खैर हम इन सब बातों में अभी नहीं जा रहे, बाद में चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तर। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को कि वो अपनी बात हमारे साथ आरंभ करें इस गुड गवर्नेंस को लेकर के,
कि कैसे इसका हमारे आज के वर्तमान के साथ संबंध है और वो कहां से इन विषयों को उठाना चाहते हैं, क्योंकि सारा का सारा तो कवर नहीं किया जा सकता, गुड गवर्नेंस का विषय बहुत व्यापक है, तो लेकिन उसमें से जो भी वो दो कुछ बिंदु उठाना चाहें तो वो अपनी बात हमारे साथ साझी करें और उसके बाद प्रश्नोत्तर ओपन हाउस डिस्कशन रहेगा। तो एवरीबॉडी इज वेलकम टू शेयर हिज कमेंट्स और क्वेश्चंस। जी जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। वैसे यहाँ काफी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, 5-6 बार ऑलरेडी मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो गया देन आई विल अगेन हैव टू कनेक्ट रीकनेक्ट जो कुछ भी है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सोमनाथ वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैडम सुष्मिता जी, डॉक्टर आशुतोष जी, आप सभी इतने विद्वान लोग हैं, अपनी फील्ड के माहर हैं, आपके बीच में आकर मेरा कुछ भी किसी भी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बताना जिसके ऊपर आप लोगों ने सालों साल रिसर्च कर रखी है, मैं बड़ा अपने आप को ऑड फील कर रहा हूँ, बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। और गुलजारी लाल नंदा ट्रस्ट, वो ऐसी पर्सनैलिटी जिनके सामने अपना समाज और देश वही एक मेन टारगेट होता था, जिसकी खातिर उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, और उनकी एग्जाम्पल्स जो अगर हम देखें तो हम तो उनके सामने पानी की एक बूंद के समान भी नहीं है। ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज हमारे देश में रही हैं, हमने उनको फॉलो तो क्या करना, हमने जानने की कोशिश भी नहीं की अच्छी तरह से। एनी हो, थोड़ा बहुत जो मैंने काम किया हुआ मैं आपके साथ अबाउट 40-45 मिनट्स में मैं उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ ए ब्रीफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, थोड़ा सा काम जो मैंने किया है वाल्मीकि रामायण पर या महाभारत पर, जनरल साहब आवाज मुझे लगता है कि नेट की कोई इशू, नेट का ही इशू होगा। आई होप ही विल रीकनेक्ट। एक मैसेज करिए जी। जी जी वैसे मैंने उनसे कहा था कि मोबाइल से भी साथ में ओके, लेट्स वेट फॉर जस्ट अ सेकंड। आई थिंक ही डिसकनेक्टेड। तो जितनी देर में, चलिए जितनी देर में वो दोबारा जुड़ते हैं तो मैं उस समय का सदुपयोग कर लेता हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि जो काम किया है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। जनरल साहब तो आप लोगों से, मैं मुझे लगता है रामायण और महाभारत के एंगल से आप लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से वो मॉडर्न डे में गुड गवर्नेंस में वो हेल्पफुल है, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ और शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए कुछ एक, जब मैं सर्वे की वीसी साहब की बात सुन रहा था और वो बता रहे थे कि उन्होंने कई जो हैं वो कई कदम उठाए हैं गुड गवर्नेंस को लागू करने के लिए, तो उसका मूल्यांकन करने के लिए जो है वो हम लोगों ने पहले एक सर्वे फॉर्म्स बनाए थे, क्वेश्चनियर्स बनाए थे, और फिर उसका हमने सर्वे किया था। लेकिन वो इशू था लार्जर स्केल पे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस वो गुड गवर्नेंस में कहाँ तक कामयाब है, तो उसको हमने एक अपनी परंपरा की किताब जिसका नाम था किरात आर्चनियम, ये आप देख सकते हैं इसको, तो उसमें हमने ये सारे क्वेश्चंस लिए थे। और आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना भी लेटेस्ट विषय जो भी पढ़ाए जा रहे हों उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं है। और ये पुस्तक कब की है, ये आपकी परंपरा की पुस्तक, ये लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास की पुस्तक है किरात आर्चनियम।
और आप उसमें देखें कि प्रश्न क्या है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो है क्या हमने अपनी ओर से लगाया है, बाकी सारे का सारा आप देख सकते हैं कि वो वहीं से लिया हुआ है। संस्कृत में हम नहीं जा रहे, लेकिन ये रेफरेंस आपको दिया हुआ है कि शासन व्यवस्था प्रजारंजन पर आधारित है। जी जनरल साहब जुड़ गए आप, प्लीज अनम्यूट। आवाज आ रही है अभी? जी जी जी, मैं एक मिनट दोबारा कर देता हूँ आपके, आपकी स्लाइड आ रही है सर। मुसीबत है, मैं जब इसको हॉटस्पॉट पर करता हूँ तो बोलता है कि आपका फोन गर्म हो रहा है। एनी हो, जो है सो है, अब मैं आई कांट हेल्प। मैं वही से शुरू करता हूँ जो मैं अपनी बात कह रहा था। एम आई क्लियर? जी जी जी। देखिए, मैं जो बात शुरू की थी, मैंने थोड़ा बहुत जो स्क्रिप्चर्स पर काम किया है, मुझे एक्चुअली कई बार बहुत अफसोस होता है भाई, ये रामायण और महाभारत जो हमारे मेन स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी हिंदू कल्चर और फिलॉसफी के, हमारी सोसाइटी के, हमारे जीवन शैली के, ये कब से हैं? ये तो कोई 1950 में नहीं आए जब संविधान बना था, ये तो सैकड़ों हजारों सालों से हैं। ठीक है, इनमें लिखा हुआ क्या है? इनमें लिखी हुई कहानी को हम जानते हैं, एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ऑफकोर्स रामायण तो रामचरितमानस की वजह से बहुत सारे लोग जवानी भी उसको जानते होंगे, लेकिन रामायण और महाभारत की असली कहानी को बहुत सारे लोग तभी जान पाए जब टीवी सीरियल पर आए। ठीक है, कम से कम जान तो पाए अच्छी तरह से। लेकिन उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, गुड गवर्नेंस है, एथिक्स है, मॉरेलिटी है, शासन प्रबंधन है, उसके बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं है? Why there is only one and the only one angle of the scriptures which is shown, told, narrated, explained, which is the so-called alaukik and the spiritual angle only? इस देश में जितने भी लोग इनके बारे में कथा कर रहे हैं वो बस यही कहे जा रहे हैं कि अभी मरने के बाद ऊपर जाने पर क्या होगा। अरे इनको जानो तो सही कि आज की हमारी प्रेजेंट लाइफ में हम इनको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज करें, कैसे इनका फायदा उठाएं। तो इस बात को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि 1000 years से ये स्क्रिप्चर्स हमारे पड़े हुए हैं, एंड व्हाट वी आर डूइंग इट, वी आर जस्ट शोइंग देम दैट द अगरबत्ती बोइंग, एंड वी आर नॉट ट्राइंग मेकिंग एनी एफर्ट टू अंडरस्टैंड। इंप्लीमेंटेशन तो बाद में आएगी, वो तो बाद में आएगी। चलिए कोई बात नहीं, मैंने एक ये कोशिश की है कि इनमें छिपी हुई फिलॉसफी और नॉलेज को मॉडर्न के साथ रेलिवेंट बना के लोगों के सामने पेश करूं, and keep on doing such type of things. तो मैं उसी में सबसे पहले आपके सामने principles of good governance as per Ramayana पेश करूंगा, और मैं I will try to correlate with the present circumstances, ताकि हम इनको ऐसे ना हो कि नहीं 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 ये तो implement नहीं हो सकते, ये तो practically possible नहीं है, ये बहुत अच्छा और खूबसूरत बहाना है which we in our that it cannot be done, it is not practically possible. ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था, तभी तो श्री राम ने राम राज्य की एस्टेब्लिशमेंट की, और हमने महाभारत के ग्रंथ के बारे में एक बड़ी सैकड़ों साल तक कह लो या मैं तो बचपन से सुनता आया हूं, एक भ्रांति फैलाकर रखी थी, इस ग्रंथ को घर में मत रखना, भाई भाई में लड़ाई हो जाएगी। अरे जिस घर में ये ग्रंथ नहीं होता वहां कौन से भाइयों में लड़ाई नहीं होती? जब ग्रंथ ही घर में नहीं होगा तो उसको पढ़ोगे कैसे? तो ये मैं अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन शेयर कर रहा हूं, बट आई विल मेक ए ब्रीफ प्रेजेंटेशन हाईलाइटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस सुशासन एज एक्सप्लेन्ड दीज टू स्क्रिप्चर्स। आशु जी फर्स्ट स्लाइड प्लीज। आप देख पा रहे हैं? नहीं, वो एक कॉर्नर में आ रही है, मेन स्क्रीन पर नहीं आ रही। नहीं, यहाँ से तो ठीक है। अब ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सर, ऊपर दिखाई दे रही है। क्लियर है? आप एक्सप्लेन करें, विजिबल है। यस, विजिबल है, लेकिन मेरे को विजिबल नहीं, मेरे को फिर दूसरे अपने मोबाइल पर अपनी पीपीटी ऑन कर लेता हूं, बिकॉज़ समटाइम्स दैट यू फॉरगेट दैट व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। ऐसे कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन उसके ऊपर अगर आप पिन कर लेंगे तो वो मेरा ख्याल है कि सामने आ जाएगा, या तो इसको आप पिन कर लीजिए।
कर लिया मैंने, चलिए ठीक है। okay. अब टेक्नोलॉजिकली आई एम ए बिट इलिटरेट मैन, थैंक यू वेरी मच। रामायण में एक प्रसंग आता है जब श्री राम को मनाने के लिए भरत उनके पास जा रहे हैं। भरत की जब उनसे श्री राम से मुलाकात होती है तो वो जो सारी कन्वर्सेशन है वो सारे का सारा चैप्टर एक्चुअली सुशासन के ऊपर है, गुड गवर्नेंस के ऊपर है, उन प्रिंसिपल्स के ऊपर है जिनके ऊपर राम राज्य को एस्टेब्लिश होना चाहिए या उन्होंने किया था। तो उसी में वो बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं थोड़े से रेलिवेंट पोर्शन आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें से सबसे पहला वो सवाल क्या कर रहे हैं कि आई होप यू प्रेफर वन लर्नड मैन टू थाउजेंड ऑफ फूल्स। क्यों भाई, तुम्हारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसी होनी चाहिए? क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मंत्री हैं उनका लेवल ऑफ नॉलेज उस पर्टिकुलर जॉब और प्रोफेशन के बराबर होना चाहिए? या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मैं ऐसा करता हूं कि ये वाला पोर्टफोलियो दे देता हूं, उसको वो वाला पोर्टफोलियो देता हूं, उसको वो वाला पोर्टफोलियो देता हूं, बिकॉज उसकी पॉलिटिकल माइलेज जो है इतनी है। सो इफ वी एलोकेट द पोर्टफोलियोज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल वेटेज, तो क्या होगा फिर? वो हाल आपके सामने इस देश का पिछले आजादी के बाद से है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन श्री राम कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए। एंड वी हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ अवर मिनिस्टर्स, देयर पोर्टफोलियोज हैव नो कोरिलेशन विद द लेवल ऑफ द नॉलेज एंड द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू हैंडल एंड टैकल दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। क्योंकि श्री राम कहते हैं even one minister who is talented, valiant, clever and well versed in politics can bring a large fortune to a king or prince. yahan to aise aise council of ministers mein mantri rahe hain jinko apne bas itna hi pata hai ki bhai main kitni votein lekar jeet kar aaya hu, to kya sikha humne sushasan mein, kya implement kiya apne scripture se? we have implemented only the excuses कि वो भाई देखो वो तो राजनीति में ऐसा करना पड़ता है, मुझे तो ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं चल सकता, ये ऐसा चलता आया है, इसलिए इस देश और समाज का ये हाल है। जब आप बड़े बड़े ड्रास्टिक डिसीजन ले सकते हो, वन मैन डिसीजन ले सकते हो, यू कैन साइडलाइन द पीपल विद ए स्ट्रोक, देन यू कैन इंडक्ट सच टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो हु आर कैपेबल। जैसा कि मैंने इनिशियली कहा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्पेशली इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट और इन द प्रीवियस टेन्योर, इसमें काफी करेक्शन की गई है, नो डाउट। बट इफ यू सी दैट द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, व्हाट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स हु आर होल्डिंग व्हाट टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज, व्हेन वी ज्वाइन एनी सर्विस फॉर अबाउट टू इयर्स वी आर ऑन द प्रोबेशन पीरियड, और हमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ब्रांच में जाकर काम करके वो सिखाया जाता है। यहां कभी ऐसा हुआ है कि एक मिनिस्टर को एक पोर्टफोलियो दिया, उसको कहा जाए कि भाई इससे पहले दैट यू टेक चार्ज तुम्हारी 15 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा? नहीं नहीं, हम कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी को साइड में डाल देंगे तो फिर जो हाल है वो हमारे सामने है। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस का पहला सिद्धांत यह है कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसी होनी चाहिए। एंड श्री राम इज कॉशनिंग भारत। Next, please. Next slide. अब फिर इसी बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि भरत, आई होप यू डू नॉट डेलिब्रेट अलोन। अब आप इसको नोट कीजिएगा, यू डू नॉट डेलिब्रेट अलोन, विच मीन्स दैट द वन पर्सन नहीं है, वन मैन आर्मी नहीं है, यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ द ऑल कॉम्पिटेंट एलिजिबल एंड द रिसोर्सफुल पीपल who can give you proper, timely, correct advice, and then only you take a decision. It's not that you have taken a decision, then you issue the farman that this is to be implemented. Then what will happen? There will be resentment, there will be frustration, there will be opposition, there will be erosion, and your whole time and energy will be wasted in those things only. कहाँ है ये श्री राम का बताया हुआ principle जिसको हम follow कर रहे हैं? And he says, श्री राम says, that your decisions arrived at by you through deliberation with your counselors does not reach the public before it is carried out, and deliberations which have not been proclaimed or are not known by through surmises or reasoning, and the deliberations of others are known by yourself, by your ministers, before they materialize. Matlab
दूसरों की डेलिब्रेशंस जो अपोनेंट है उसके बारे में तो जानकारी रखनी, लेकिन अपनी जानकारी लीक नहीं होने देना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करने का एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, बिकॉज योर होल टेन्योर, योर होल होल पीरियड ऑफ द गवर्नेंस इज बेस्ड अपॉन देम ओनली। लेकिन वहां पर क्या होता है, तू मालवा से है, तू माझा से है, तू इधर से है, तू पानीपत से है, तू कुरुक्षेत्र से है, तू नॉर्थ बिहार से है, तू साउथ बिहार से, तेरे को कितना रिप्रेजेंटेशन देना, तेरे कितने एमएलए, तेरे मेयर एमएलए, दीज आर द क्राइटेरियाज। इफ दीज आर द क्राइटेरियाज, तब क्या बात करें हम सुशासन की? फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये जो इसमें लिखा हुआ है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इफ दिस प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, फिर क्या वैल्यू है उसकी? वैल्यू है, वैल्यू आएगी, समय के साथ आएगी। With the passage of time, it might come slowly, but it will come. Next slide, please. अब देखिए, एक बड़ी जबरदस्त बात कही है, ये मेरे को स्लाइड बड़ी अच्छी लगती है, ये उनकी कही हुई बात, जब मैं उसको बीच में डाल देता होता हूं। श्री राम भरत को क्या एडवाइस कर रहे हैं कि भरत ख्याल रखना, ऐसा जो फिजिशियन जो तुम्हारी बीमारी को बढ़ा दे, और ऐसा जो सर्वेंट जो तुम्हारी बेइज्जती करवा दे, और ऐसा वॉरियर जो खुद पावर चख लेने के चक्कर में, उनसे बच के रहना। अब समटाइम्स आई फील दैट वेदर दिस इज फ्रॉम द कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस चीज को यहां से उठाया, या मैकियावेली ने द प्रिंस में इस चीज को यहां से उठाया, दैट द किंग शुड प्ले द रोल ऑफ ए फॉक्स एंड ए लॉयन, आई हैव नो आइडिया। लेकिन इन दोनों ने अगर रामायण से इंस्पायरेशन ली, देन यू जस्ट सी दैट द ये उससे कितने हजारों साल पहले लिखी गई थी, और उसमें ये काम की बात लिखी गई है, जिसको हमारे पॉलिटिशियंस फॉलो भी करते हैं, लेकिन अनजाने में। इफ दे फॉलो दीज थिंग्स विद ए प्लान्ड मैनर, देन द सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट। एनी हाउ, ये मेरे को स्लाइड बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कहीं ना कहीं इंजेक्ट कर देता होता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब श्री राम देखिए लेबर रिलेशंस की भी बात कर रहे हैं। क्या लेबर रिलेशंस के बारे में कह रहे हैं वो? अब इसको यू ट्राई टू कोरिलेट विद द मॉडर्न टाइम्स। दिस ही सेज, I hope you distribute daily provisions and disburse the monthly salary due to them at the opportune time. यहाँ सैलरी नहीं मिल रही 3 महीने, डीए नहीं मिल रहा, यहाँ एरियर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कमीशन नहीं बैठ रहा, या पे का रिविजन नहीं हो रहा, हो रहा है तो ओनली देन when you the staff has gone on strike, when there is a agitation, then the announcement will come that the government has taken a decision to take care of the welfare of the staff and now this will be done. So you create the resentment. Increase the resentment, expect the efficiency level to go high. ये क्या है ये क्या है? It means that the our political leadership lacks foresightedness, deep planning. वो आगे की दूर की नहीं सोचते, वो जो भी दूर की सोचते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, administrative efficiency के हिसाब से वो नहीं सोचते। Otherwise, ये labor relations के ऊपर श्री राम ने तो clear कह दिया कि salaried servants surely and positively get enraged even at their master. कभी ad hoc पर टीचर रख लो, कभी contract पर टीचर रख लो, कभी उनको regularize मत करो, कभी वो सड़कों पर आ जाए, कभी वो ये क्या हो, क्या है ये कौन सी administration में है, हमने इनको follow कैसे करना है? उसको इनको follow करने के लिए आपको एक बड़ी deep planning की जरूरत है, systematic approach की जरूरत है। लेकिन नहीं, हमने इन स्क्रिप्चर्स में ये जो चीजें लिखी हैं उनको जानने की कोशिश ही नहीं करते, इंप्लीमेंटेशन तो पता नहीं कब आएगा। हम तो कहते हैं कि दशहरे पर मैं जाकर जो है मुकुट डालकर तीर चलाऊंगा, जय श्री राम करके वापस आ जाऊंगा। अरे श्री राम के इन प्रिंसिपल्स को तो जानो पहले, इनको तो समझो, फिर देखो कि मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हाउ आई शुड इंप्लीमेंट दिस। इफ यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू इंप्लीमेंट 100%, एटलीस्ट 5%। एनी हाउ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सुशासन की बात हो रही है, अम्बेसडर्स, आपके दूत कैसे होने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि जयशंकर इज ए बैड दूत एटसेट्रा, ये तो श्री राम ने क्या कहा है, हैज ए मैन ऑफ योर ओन स्टेट हु इज लर्नड, क्लेवर, रेडी विटेड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग मैसेजेस करेक्टली। ये हुआ क्या आज तक हमारे यहां? वंस इन ए ब्लू मून The portfolios are allocated depending upon the height of the candidate, personality of the candidate, as I mentioned earlier, political pressure of the candidate, how many MLAs are with him, accordingly the portfolio will be given, this portfolio or that folio, but quality is totally
put aside. And as far as the ambassadors are concerned, Shri Ram says, ambassador should be that person who is able to distinguish between right and wrong for the common welfare of your state. Next, please. आशु जी मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हूं, मुझे नेटवर्क का बड़ा डर है, क्या करूं मैं? जी 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 प्लीज। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट आ रहा जुलाई में, पर्सनल टैक्सेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पेंशन पर टैक्स कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, ये रहेगा वो होगा ये होगा। राम क्या कहते हैं, सिंपल, इज योर इनकम सफिशिएंटली लार्ज टू मीट योर एक्सपेंसेस? और इसी को बुजुर्गों ने क्या कहा, चादर देखकर पैर पसारो भाई, आपकी चादर है उसी के हिसाब से आप खर्चा करो। और खर्चा कहां करना है, जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके ऊपर खर्चा करोगे, तो जिस चीज के ऊपर जरूरत पड़ने पर खर्चा करने के लिए समय आएगा तब पैसे नहीं होंगे। एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस कंट्री सिंस लास्ट 60-70 odd years, द मनी विच इज सपोज टू स्पेंड वेयर इंस्टेड ऑफ दैट इज बीइंग स्पेंड समवेयर एल्स, एंड दिस इज हैपनिंग लाइक दैट। और इसमें एक बार मैं उसमें महाभारत में भी ये बात आती है, उसमें भीष्म पितामह उसको बोलते हैं युधिष्ठिर को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या टैक्सेशन सिस्टम, युधिष्ठिर पता क्या होता है, बोले भीष्म पितामह बताइए, बोले ऐसा होता है कि एक बिल्ली अपने मुंह में अपने दांतों से अपने बच्चे को उठाकर एक जगह से दूसरी रख दे, उसके दांत उसको लगे भी ना और उसका काम भी हो जाए, दैट शुड बी द बेसिक ऑफ द टैक्सेशन। ये बात आएगी थोड़ा आगे चलकर भी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो खूब एक्सप्लेन किया है, आई हैव टेकन ओनली इन वन सिंपल स्लाइड कि भाई ये होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारे तो सब हॉच पॉच है। नेक्स्ट प्लीज, क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कहा जाए थोड़ा, इस देश में, इस समाज में क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए वो श्री राम ने जो कहा है वो आपके सामने है कि नो पायस सोल हु इज प्योर ऑफ माइंड एंड सिनलेस इज कन्विक्टेड फ्रॉम ग्रीड बीन चार्ज्ड विद सम ऑफेंस। इसको अगर हम थोड़ा सा, आप तो विद्वान लोग हैं, पढ़ेंगे तो आपके, आपको इसके पीछे की सेंस जो है वो समझ में आ जाएगी कि कौन है जिसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, हु इज प्योर ऑफ माइंड एंड सिनलेस। इन एन अनहैप्पी कंडीशन बिटवीन एन एफ्लुएंट एंड ए फाइनेंशियली फीबल मैन, Do your ministers of vast learning judge the case impartially? हम सबको मालूम है कि हमारे कोर्ट कचहरियां पुलिस स्टेशन क्या होता है वहां पर, तो हम कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं, हम कौन से राम राज्य की बात कर रहे हैं? राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं आते, राम राज्य आते हैं राम श्री राम के बताए गए प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने में। 20 years, 15 साल, 20 साल, 50 साल, पता नहीं कितने साल लगेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें शुरुआत की जा सकती है। तो यहां से रामायणा से मैंने ये 4 या 5 slides ही ली हैं, बिकॉज कीपिंग इन व्यू द अबाउट 35-40 minutes टाइम। अब आइए जरा महाभारत को भी देख लेते हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, उनको वो, अब उनके पास जो है युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों जाते हैं श्री कृष्ण के साथ के पितामह हम दोनों को उम्मीद है कि हम युद्ध में जीत जाएंगे, हमें एडवाइस कीजिए, गाइड कीजिए कि हमें शासन कैसे चलाना चाहिए। वहां पर युधिष्ठिर कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं, शासन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं भीष्म पितामह उनको जब बताते हैं, उससे पहले युधिष्ठिर जो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, मैंने उन प्रश्न को सामने रखा है, वो पूछते हैं कि पितामह गवर्नेंस होती क्या है और किस तरह की होती है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है, ये कहां से आती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको कैसे विजिलेंट रखना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं है, आप मेरे को बताएंगे? अब बताइए, वो इंसान जो है बानों की शैया पर लेटा हुआ और लेटा लेटा भी जो है वो सुशासन की बात कर रहा है, अब वो क्या पूछ उनको बताते हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं, मैंने थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई ऐसा है, एक होता है इंडिविजुअल, फिर जो है उसकी बन जाती है फैमिली, फिर होते हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज, फिर होते हैं ट्राइब्स, तो उसके बन जाते हैं सामाजिक संबंध। जब सामाजिक संबंध बन जाते हैं तो उनमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट विल बी डिफरेंट, लाइक्स विल बी डिफरेंट, सो मेनी थिंग्स विल बी द डिफरेंट बिटवीन द वेरियस फैमिलीज, वेरियस ट्राइब्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर स्टेट। उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उनको अच्छी तरह से रहने के लिए रेगुलेट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाने पड़ते हैं।
अब जो सिद्धांत जो है, चाहे आप मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को उठा लीजिए, चाहे आप जॉन लॉक को उठा लीजिए, चाहे आप थॉमस हॉब्स को उठा लीजिए, जहां बोलते हैं कि स्टेट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन सबका ओरिजिन कहां से आया है? इन्हीं से आया है, रामायण और महाभारत से, जहां पर वो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं कि विच आर दोज प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, जब वो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो फिर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बोलते हैं कि देखो, एक ना सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण में उसका यूसेज शुड बी लेजिटिमेट, नॉट इलेजिटिमेट। यहां तो हम चारों तरफ देखते हैं, देयर इज नथिंग बट इलेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, एंड इलेजिटिमेट यूज ऑफ पावर इज बीइंग जस्टिफाइड आल्सो बाय द स्टेट इन दिस कंट्री। एनी हो, एंड देन ही सेज के लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर का मैनर कैसा होना चाहिए, और उस पावर के ऊपर भी लिमिट्स होनी चाहिए। इफ यू ट्राई टू रिकोलेक्ट, इसी चीज को जो है फंडामेंटल राइट्स के तौर पर उठाया गया कि देयर शुड बी द रिस्ट्रिक्शंस आल्सो, इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो ये जो पावर है, लेजिटिमेट सोर्स ऑफ पावर है, मैनर है, लैमर्स लिमिट्स है, फ्रीडम है, जस्टिस, ये सारा ताना बाना जो है बनता है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। नेक्स्ट प्लीज। एंड फिर यहां पर भीष्म पितामह बोलते हैं कि आप ना युधिष्ठिर, सीधा शासन पर आने से पहले एक बात और समझ लो। तो बोलते पितामह क्या, बोले कि तीन चीजें होती है, एक है धर्म, एक है राजधर्म और एक है गुड गवर्नेंस। मैं अगली स्लाइड में इनको एक्सप्लेन करूंगा, धर्म, राजधर्म और सुशासन। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट। पितामह कहते हैं, पितामह ने तो चलो नहीं कहा, ये मैंने ही ऐड कर दिया, द मोस्ट मिस अंडरस्टूड एंड मिस इंटरप्रेटेड वर्ड इन दिस हिस्ट्री इज द वर्ड धर्म। धर्म उठते ही हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो जाते हैं। अरे धर्म को जानना है तो पहले महाभारत। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप सब लोगों ने तो पढ़ रखा है, लेकिन जिन्होंने बाई चांस नहीं पढ़ रखा है, कि आप धर्म को जानना समझना है तो महाभारत खोलिए ना। धर्म क्या है? सूरज का धर्म क्या है? चंद्रमा का धर्म क्या है? अग्नि और पानी का धर्म क्या है? माता पिता का धर्म क्या है? बच्चों का धर्म क्या है? टीचर का धर्म क्या है? शासक का धर्म क्या है? तो उसके साथ जो इनहेरेंट प्रिंसिपल्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं धर्म। धर्म ये नहीं है कि मैं अगरबत्ती जलानी है, मैं माथा टेकना है, मैं उसको मारना है, मैं इसको ग्लोरीफाई करना। धर्म को पहले जानना जरूरी है, तभी तो हम जो है राजधर्म पर आएंगे। तो युधिष्ठिर को बताते हैं कि धर्म इज टू सपोर्ट, सस्टेन, ब्रिंगिंग टुगेदर, अपहोल्डिंग ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, उन सबका जो प्रभाव है उसका समावेश करना, उसको बोलते हैं धर्म। और धर्म का मतलब यह होता है कि जितने भी लिविंग ह्यूमन बींग्स हैं उनको सिक्योर करके रखे, ये होता है धर्म। और फिर इसके बाद आता है राजधर्म। राजधर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल। किस चीज से प्रोटेक्शन करना? डर से, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो ना कर ले, कहीं चोरी ना कर दे, कहीं मार ना दे, वो ना दे। फ्रॉम द फियर ऑफ अदर्स, फ्रॉम द फियर ऑफ ईच अदर, फ्रॉम द फियर ऑफ द थिंग्स। और जो बड़ी मछली छोटी को ना खा जाए, ये राजा को ख्याल रखना है। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना है कि राजा खुद ना बड़ी मछली बन जाए। तो इसीलिए उस जमाने में जो धर्म और राजधर्म था, राजधर्म में राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए जो पावर्स थी, वो आप इफ यू रिमेंबर सीरियल्स में देखा हो, वो जो काउंसिलो मिनिस्टर्स बैठे होते थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, वो सिर्फ यज्ञ करने के लिए नहीं होते थे, दे यूज टू बी ए मॉरल कंट्रोल ओवर द एक्शंस ऑफ द किंग, कि मॉरली उसको करेक्ट करते जाए, स्क्रिप्चर्स के हिसाब से उसको मॉडिफाई करते जाए, और उसको रोकते और टोकते रहे बिना किसी डर के। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर तो राजा निरंकुश हो जाएगा, फिर तो हिटलर की एग्जांपल आपके सामने है फासिज्म की। तो ये जब बात कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि आओ अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब धर्म को तुम समझ गए, राजधर्म को समझ गए, अब मैं बताता हूं कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या होने चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ गवर्नेंस क्या है? डिसिप्लिन ऑफ धर्म, एज आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ,
किंग हु ट्राइज टू डिसिप्लिन हिज सब्जेक्ट्स विदाउट फर्स्ट डिसिप्लिन हिमसेल्फ। भाई खुद तो जो है अपने जो है कमीशन लिए जाओ, तिजोरी बढ़े जाओ, लंदन में फ्लैट खरीद दे जाओ, वो करे जाओ और कही जाओ कि भैया अब मैं जो है ना आप लोगों की सेवा के लिए आया हूं पॉलिटिक्स में। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो रहा है, इसलिए हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में टोटल कायोस है। पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन सो मेनी इंस्टीट्यूशंस ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज द किंग और द एडमिनिस्ट्रेटर और द रूलर ही हिमसेल्फ इज नॉट disciplining himself. Main purpose of power of governance is to control the lawlessness, not to accumulate. यहां तो 20% criminals जो है वो जीत कर आ रहे हैं, कभी 15% criminals जीत कर आ रहे हैं, उनके साथ इतने gunmen चल रहे हैं, ये क्या है? ये power का show है, power का accumulation है या power का control है? Everything in this world perishes in the end. Nor is there anything which is not transitory or free from disease. Therefore, remaining steadfast in dharma, king should take care of the people in the light of dharma. कि तुम्हें धर्म ही है जो सारी चीज को जो है कंट्रोल कर रखे रखता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्म वर्ड को पहले जानना और समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम फिर वही कथावाचकों के चंगुल में फंस कर हम अगरबत्तियां जलाने चल पड़ेंगे। Next, what he says, भीष्म पितामह बोलते हैं, याद रखना युधिष्ठिर दुर्योधन, फियर एज द सोर्स ऑफ गवर्नेंस। एक मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बड़ा मजाक उड़ाते लेकिन कभी कभी बात कह जाते थे बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि शासन डंडे से चलता है, कुछ भी खो जाता है तो लोग कहते हैं यार प्रताप सिंह कैरो में ऐसा हुआ था, देवीलाल के टाइम में ऐसा हुआ था, उसके टाइम में ऐसा हुआ था। क्यों? क्योंकि डर था, अफसर के सामने में डर जाने में डर लगता था। क्यों? क्योंकि मालूम था कि अफसर जो है ये ईमानदार है, डेडिकेटेड है, सिंसियर है, ये किसी की नहीं सुनता। फियर एज द सोर्स ऑफ गवर्नेंस, दंड और द गवर्नेंस इज द बेसिस ऑफ सोशल ऑर्डर। अगर यही ना हो तो सोशल ऑर्डर तो खत्म हो गया। ओनली रेयरली इज ए पर्सन फाउंड हु इज गुड एंड क्लीन बाय नेचर। बाकी सब बदमाश ही होते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए आपको डर जो है वो रखना पड़ता है। इसीलिए राजन, डर रखने के लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, आपको न्यायपाली बनानी पड़ेगी, आपको इम्पार्शियलिटी लानी पड़ेगी। ये बहुत सारी चीजें जो है भीष्म पितामह एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी ऑलरेडी नेक्स्ट जी नहीं नहीं है इसके आगे। हाँ सॉरी हाँ, ट्रेजरी इज अ सोर्स ऑफ पावर एंड ऑन पावर डिपेंड्स नाइटहुड, बट द पावर ऑफ द डिपेंड्स ऑन वेदर बाय स्पेंडिंग हिज वेल्थ ही हैज इंश्योर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सिंपल बात, आप जितना, जैसे कहते ना कि जितना दोगे उतना आपको मिलेगा, जितना आपने कमाया उसका इतना परसेंट अगर आप बांट दोगे तो आपको फल मिलेगा। फल किस चीज का मिलेगा? फल मिलेगा आपके गुड वर्क और डीड्स का। हेंस किंग शुड एक्ट लाइक ए गार्डनर, नॉट लाइक ए कोल माइनर। अब मैं तो थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा हूं, भाई मैं तो पेंशनर हूं, पेंशनर हैं, और मैं तो यही देखे जा रहा हूं कि इस बजट में पेंशनर्स को क्या मिलेगा, क्योंकि भी पेंशनर के ऊपर भी टैक्स जो है इतना देना पड़ रहा है। सो समटाइम्स आई ऑल्सो फील दैट द रूलर इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए कोल माइनर, नॉट एज ए गार्डनर। एंड देखिए उस जमाने में उन्होंने क्या था, क्या कहा था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिविजुअल लैंड, इरिगेशन का एक टैक्सेस लगा दो, जो माल अपना यहां से वहां ले जा रहे हैं बेचने के लिए यहां से वहां, उसके ऊपर टोल लगा दो, और जितने भी मर्केंडाइज है उनके ऊपर टैक्स लगा दो, और प्रोटेक्शन टैक्स लगा दो कि कारवांस जो जा रहे हैं उनको कोई लूट ना ले, वाटरवेज किस्ती के थ्रू जा रहे हैं उसके उसके ऊपर कुछ फीस लगा दो, मनी कलेक्टेड एज फाइन भी हो सकती है, वेल्दी मर्चेंट्स के ऊपर कुछ थोड़ा स्पेशल टैक्स लगा दो, कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग एक्सटर्नल थ्रेट को एज ए लोन मान लो। ये टाइप ऑफ टैक्सेशन जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर इनको बैठकर कोई इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे देश में टैक्सेशन के स्लैब कहाँ कहाँ हैं। And if you see that the financial this thing of the our government, kya batau, that how much is the percentage of the taxation which we are paying to the government, either in the shape of the personal tax or commercial tax or road tax or GST tax or this tax, that tax,
Anyhow, and what he says, no nation can progress where the people are squeezed. अब ओल्ड टैक्स रिजीम आ गया, न्यू टैक्स रिजीम आ गया, सेविंग्स कम होगी, वो होगी, यहां यही चले जा रहा है. एंड पीपल फील स्क्वीज्ड, रिच इज बिकमिंग रिच, मिडिल क्लास इज बीइंग स्क्वीज्ड, पुअर इज बिकमिंग पुअर, बिकॉज वी हैव गॉन एस्ट्रे फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज एक्सप्लेन्ड इन अवर स्क्रिप्चर्स. हम उन बेसिक फिलॉसफी से दूर जा चुके हैं. टैक्सेस मस्ट बी हाई और लो अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पीपल. है कभी ऐसा जो चीज बढ़ गई वो कितनी कम होती है, वो इतनी कम होती ताकि उसको फिर दोबारा से उससे ज्यादा बढ़ाया जा सके. आज पेट्रोल 10 रुपए बढ़ गया, कल 2 रुपए कम हो गया, फिर 7 रुपए बढ़ गया, फिर 3 रुपए कम हो गया, एंड आफ्टर 1 year, 2 year, 3 year यू फील दैट एक्चुअली इट हैज इंक्रीज बाय सो मच परसेंटेज. एब्सोल्युटली हॉचपॉच. कैपेसिटी टू पे मस्ट बी केयरफुली इन्वेस्टिगेटेड, एंड वाइल असेसिंग द कैपेसिटी रिगार्ड मस्ट बी पेड टू प्रोडक्शन एक्सपेंसिस, लोन्स इनकर्ड, लॉसेस. आई अब आगे बरसातें फिर आ रही हैं, बाढ़ आएंगी, आएंगी बाढ़ तो फिर फसलें जो है तबाह होंगी, फिर क्या होगा, 5,000 रुपए कंपनसेशन दे दी जाएगी. ये क्या है ये? नेक्स्ट स्लाइड. इम्पार्शियली ट्रुथ एंड ट्रस्ट इन गवर्नेंस. जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर है, मैंने 7-8 स्लाइड से छोटी छोटी टू द पॉइंट उठाई है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ धार्मिक लाइव, किंग शैल नॉट punishment for the offenses committed by other, and he should know the principles of punishment and element of law and governance. Neither mother nor father nor brother nor wife nor the priest, no one is above the law. अरे rule of law हमने constitution में डाल दिया, follow करना, वो कहते follow करने के लिए नहीं है. मैं कभी कभी एक और बात से मेरे को बड़ा अफसोस होता है. Good number people might disagree with us, so it's your choice, but what I want to share is that हमने जिसकी बात नहीं माननी, जिसकी बात नहीं सुननी, जिसकी जिसका कहा हुआ हमने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करना, उसको ना चुप छुपा चुप पीते उठाकर प्रदीप जी. ओके, तो जिसकी आपने बात नहीं माननी, जिसकी बात सुननी नहीं है, जिसकी बात तो को इम्प्लीमेंट नहीं करना, और कहना कि भाई बात तो तुम ठीक कर रहे हो पर ये ना ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, उसको भगवान का दर्जा दे दो. तो ऐसा करता हूं, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हें चढ़ावा चढ़ाऊंगा, पर तुम्हारी बातों को सुनकर जो है एक कान से दूसरे कान से ताली भी जा दूंगा, निकाल भी दूंगा, करूंगा नहीं. यही हमारे देश में हो रहा, यही हमारे समाज में हो रहा. हम हैं ना करने, क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा. गुलजारी लाल नंदा जी के नाम से आपने ट्रस्ट बना रखी है. गुलजारी लाल नंदा जी किराए के मकान में रहते थे, जब उनको मकान से बाहर निकालने के लिए उसने कहा भी आप अपना एड्रेस बताओ, उसने लिखा, उन्होंने लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. और आज हिंदुस्तान के में गुलजारी लाल नंदा का नाम कितना ऊंचा और बड़ा, क्योंकि उन्हें सारी जिंदगी जो है उन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम किया जो प्रिंसिपल्स हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे गए थे. कुछ नहीं होता ऐसा कि ये सब चला जाता है, पैसा भी चला जाता है, सेहत भी चली जाती है, वो भी चला जाता है, लेकिन आपका यश और अपयश आपके होते हुए और आपके जाने के बाद भी है. और गुलजारी लाल नंदा जी का यश है जो आज भी रह रहा है. एनी हो, आई थिंक इट शुड बी द लास्ट स्लाइड, शायद एक आध और हो, मेरा इंटरनेट का वो हो रहा. धर्मा ऑफ गवर्नेंस, वेन द किंग विद हिज हार्ट एंड स्पीच एंड बॉडी प्रोटेक्ट्स द पीपल, does not pardon a wrong-doing man, that is called dharma. Samne hai hamare. When the king tends to the weak and the helpless first, only then to himself, that is called dharma. When the king protects the robbers and thieves, his victory is in battle, that is dharma. Hamare to yahan par politics perfect bana liya hai, isme aap 5 saal ke liye aaye ho, I'm not sure whether you will remain 5 years or not. Hence, as much wealth you can amass, that is the main motive. So, ऐसे में ये principles of good governance हमारे scriptures के लिखे हुए, इनको कौन करेगा आगे, कौन चलाएगा? हमें जरूरत है, जैसे आशु जी ने इसमें कहा था कि चाहे 5 मार्क्स का हो, चाहे 10 मार्क्स का हो, इनका कहीं अपने service में डालना शुरू करें.
कहीं कुछ डालना तो शुरू करें। ये सारे प्रिंसिपल्स की बात जो मैंने शुरू में कही थी, इफ somebody is listening, either the prime minister and I send sometimes to these things to the chief minister also, but you have formed a council of minister, you tell your minister that for next 10 days you will not handle any file, you will simply try to understand your ministry, and then you come only alone and give me a briefing, what is your plan for the next 5 years, tab pata chalega ki tum is ministry ko handle kar ki I'll be acting hai, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो गुड गवर्नेंस हमारे जो है स्क्रिप्चर्स के, वो स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए ही रह जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक एक स्लाइड शायद होगी, व्हेन द किंग इंक्रीजेस हिज फ्रेंड्स एंड लिमिट्स हिज एनिमीज ऑनर्स, दैट इज कॉल्ड द धर्मा, उसी धर्मा को एक्सप्लेन किया है। व्हेन द किंग प्रिजर्व्स ट्रुथ with sincerity, gifts, lands, and is hospitable to those who deserve to be taken care of, that is called dharma. बहुत हौच-पौच है हमारे देश और समाज में, बहुत हौच-पौच है। मुझे नहीं मालूम ये कहां कैसे क्या होगा, कोशिश कर रहे हैं, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूं कि अपने स्क्रिप्चर्स में इन चीजों के जो मैं उठाकर सामने रखूं उनको प्रैक्टिकली रेलिवेंट बनाकर सामने रखूं, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम मैं झंझोड़ तो सकूं लोगों को। This was my presentation and thank you very much for organizers, Vice Chancellor, Madam Ashutosh ji and all the dignitaries, and thanks for the Google Baba and the Internet Baba that my connection was not lost. Sahi hai. Thank you. Bahut bahut aabhaar, bahut bahut dhanyavaad. Thank you so much, General Sahab. Aur waqai aapne jis tarah se इस प्राचीन साहित्य को आज के वर्तमान के साथ जोड़ करके उसके संदर्भ में हमारे साथ साझा किया है, उससे वो बहुत रेलेवेंट बना है, बहुत उपयोगी बना है, और देखते हैं कि भविष्य में हम इन सब बातों को, इन सब चीजों को कैसे अपने अपने कोर्सेज में इनको इंक्लूड कर सकते हैं या कोई प्रयास इस तरह का हम अग्रसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल समय के अनुकूल हम चल रहे हैं, अब यह समय है ओपन हाउस डिस्कशन का। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, और इवन अगर किसी की कोई डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, तो प्लीज आप हमारे साथ साझा कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर योर थॉट्स, योर डिसएग्रीमेंट, योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। जी जी, सबसे पहले डॉक्टर अशोक चौहान जी बोल रहे हैं। जी सर। जी नमस्कार सर। जी, मैं उनको देख पा रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर सर। सर एक तो बहुत बहुत बधाई आपको, आप इतनी बड़ी विचार यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और आपके उस कॉलेज को भी बधाई जहां रह के इतना बड़े अपने एकेडमिक कर्मा आप कर रहे हैं, और क्या कहते हैं प्रोफेसर शुचिस्मिता को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को, सबको बहुत बहुत बधाई इतने बढ़िया शुरुआत करने के लिए। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने गुलजारी लाल नंदा जी की आइडियोलॉजी पे एक स्कॉलरशिप भी, यूआरएस की एक स्कॉलरशिप भी जारी की है, तो ये भी इस दिशा में एक योगदान रहेगा, और हमने एक बच्चे को उसकी तरफ प्रेरित भी किया है कि वो इस दिशा में काम करना शुरू करे, और नंदा जी के जो भी एरिया हैं जैसे इरिगेशन है, पावर है और लेबर है खासतौर से, तो वो इरिगेशन पे करेगा, वैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग उस पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि सर आज के इस वेबिनार में हमारे डिपार्टमेंट से मैं हूँ, डॉक्टर अर्चना है, डॉक्टर प्रिया शर्मा है, और प्रोफेसर दारा सिंह हैं, और वो रिसर्च स्कॉलर भी है जो नंदा जी की आइडियोलॉजी पे काम करने की प्लानिंग करेगा, कर रहा है। जी, जी, और जहाँ तक ये व्याख्यान की बात है तो सर ये बहुत ही बढ़िया व्याख्यान था। मेजर जनरल शौरी साहब को मैं बधाई देता हूँ इस मामले में, और मैं ये याद कर रहा हूँ कि जब मैंने ये यूनिवर्सिटी 1997 में ज्वाइन की थी तो उस समय भी महाभारत के इसी पर्व के ऊपर ओरिएंटेशन कोर्स में हमें ये यही बिंदुओं के साथ, हालांकि थोड़ी अलग तरह से, अब मुझे याद नहीं है कि किन्होंने हमें प्रेजेंट किया था, लेकिन उस समय भी ये सुशासन की बातें बताई गई थी, और आज जब मेरा कैरियर मतलब खत्म होने की ढलान पर है तो एक बार फिर से वो चीजें याद करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज भी इतना रेलिवेंट है, शौरी साहब ने इसको रेलिवेंट बनाया है। लेकिन मैं जो एक आधी बात जो अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ और आपसे पूछना भी चाहता था, जी जी, जल्दी कह देता हूँ बात अपनी क्योंकि ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। एक तो सर ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है जी, ये पूरी तरह से विकसित रूप में हमारे सामने आता है,
मैंने सारी फिलोसफीज एथेंस की पश्चिमी फिलोसफी पढ़ी हैं, चाइनीज में नहीं पढ़ पाया हूँ, वेस्टर्न फिलोसफी भी मैंने सारी पढ़ी हैं, सभी फिलोसफर को सीक्वेंसली क्रोनोलॉजिकली मैंने उनका असेंस को मतलब देख लिया है, क्योंकि स्टूडेंट तो मैं इकोनॉमिक्स का हूँ। हालांकि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स के लोग फिलोसफी में पीछे नहीं होते हैं, और मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि लेफ्टिस्ट हूँ मैं, और लेफ्टिस्ट जनवादी भी पीछे नहीं होते हैं। और ये किताब है सर, ये अमर्त्य कुमार सेन के, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। तो इस किताब में पूरी भारतीय परंपरा जो है विज्ञान की, वो पूरी की पूरी इसमें रेखांकित की गई है, और कैसे जो इंडियन लोग हैं कैसे वाद विवाद में शुरू से ही बहस मुबाहिस करते रहे हैं, हिस्सा लेते रहे हैं, और ये उनकी नेचर है कि ज्ञान के की एक तड़प होना, ये इंडियन कल्चर की वो है। तो कहने का मतलब है इसमें, यानी मैं ओपनली अपने आप को डिक्लेयर करता हूँ, बार बार कहता हूँ, मैंने फोटो भी लगा रखा है अपने ऑफिस में, मार्क्स का फोटो लगा रखा है, लेकिन इससे ये ना माना जाए कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम से अवे हैं, हम इसको लगातार पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में सर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स में हम नेचर एंड बेसिक थ्योरेटिकल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उसमें हम पहले हमें तर्कशास्त्र भी पढ़ाना पड़ता है। तो तर्कशास्त्र में हम लॉजिक, सिलोजिज्म, उसमें मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक पढ़ाते हैं। पर जब इन चीजों की मैं चर्चा फेसबुक पे अपने साथियों से करता हूं, तो वो हमेशा मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि भाई आप न्याय मीमांसा क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप भारतीय तर्कशास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते हैं। एक तो सर इसमें मेरी मतलब गुजारिश ये है कि ये पूरी तरह से विकसित रूप में हमारे सामने आता है। जब हम एथेंस की, यूनान की, पश्चिम की फिलोसफीज को पढ़ते हैं, तो हर चीज एक एक करके डेवलप होती दिखाई देती है, डॉक्यूमेंटेड है। जैसे कि उसमें दिखाई देगा कि पहले एक फिलोसफर कहेगा कि एक तत्व से संसार बना हुआ है, फिर दूसरा आएगा नहीं नहीं दो तत्वों से बना हुआ है, कुछ समय के बाद दो तत्व मान लिए जाते हैं, आखिर में वो चार तत्वों पे सहमत हो जाते हैं, पांच तत्व तक तो वो पहुंचते ही नहीं है। और भारतीय जो दर्शन है वो सीधा ही पांच तत्वों से शुरू करता है, और जो शौरी साहब ने लेक्चर दिया वो देखिए एक तरह का कैप्सूल दिया है। और मैं सर ये मतलब बुरा ना माने तो मैं ये कहे बिना नहीं रह पा रहा हूँ कि जितने भी लोग जो मैनेजमेंट के कंसल्टेंट्स है खासतौर से, वो जब इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रयोग करते हुए, यानी बच्चों को उसको स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को, मैनेजर्स को, मैनेजमेंट टीचर्स को सिखाते हैं, तो आमतौर पे वो एक कैप्सूल की तरह बनी बनाई प्रिस्क्रिप्शन पेश करते हैं। इसमें जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एक्लेक्टिक और एक होता है डायलेक्टिक। तो डायलेक्टिक मेथड में हम ये देखते हैं कि किसने कब कहा, क्यों कहा, किस स्थान में कहा, और वो खुद क्या था। जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का है, तो राजा को क्या करना चाहिए, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थशास्त्र तो इसमें है नहीं, इसमें पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या क्या करना चाहिए वो सीधा उसमें। आशुतोष जी को जवाब देना दो आप। लेकिन हमें स्टूडेंट्स को जब पढ़ाना है ना सर, तो हमें क्रमवार विकास को उसको समझाना होगा, और इंडियन नॉलेज सिस्टम के जो टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो जो एग्जिस्टिंग अब नॉलेज सिस्टम भी बहुत विकसित हो चुका है। अब देखिए लाखों तो जर्नल छप रहे हैं, है ना, और ऑर्गेनाइज हो चुका है, और रेटिंग के मैं आपकी बात डॉक्टर साहब समझ गया। और ये लीजिए आपको मैं बताता हूँ, बड़ा ब्रीफ सा एक्सपेरिमेंट है। न्याय दर्शन पढ़ाया जाए, न्याय मीमांसा पढ़ाई जाए, तर्कशास्त्र पढ़ाया जाए, नहीं नहीं सर उसको ऐसे पढ़ाने पढ़ाया जाएगा, और जो फैलेसीज हैं, लॉजिकल फैलेसीज हैं, उनको पढ़ाने का जो साइंटिफिक सिस्टम है, तो क्या वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में अवेलेबल है? अगर वो है तो वो हमें अपने पाठ्यक्रम में सभी फिलोसफी के लेवल पे, अब तो एमफिल नहीं होती है तो पीएचडी में ही जो कंपलसरी पेपर है उसमें वो शामिल किया जाना चाहिए। मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर से भी इसमें मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ। जी जी डॉक्टर, इंडियन नॉलेज सिस्टम को रिसर्च में उसमें ही शामिल कर लें, जो उसका मेन कंपलसरी पेपर है ना, उसमें ही इसके तरीके को, इसके इसके टूल्स को, और इसके जो डॉक्टर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक तो देखिए बात ये है कि हमारे पास जो कुछ इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर है वो बचा खुचा है, बहुत कुछ जला दिया गया, बहुत कुछ इतिहास में नष्ट हो गया, और बहुत कुछ डिस्टॉर्ट कर दिया गया। इसलिए हम जिसको कहते हैं ना कि हमें हमें
मालूम है वो वस्तुतः मालूम वो टुकड़े टुकड़े हैं हमारे पास। अब मैं आपको एक छोटा सा मॉडल देता हूं और आप उसको टुकड़े टुकड़े पूरे विकसित रूप में हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गड़बड़ है, चाहे टुकड़े में सर वही कह रहा हूं, स्टेप वाइज विकास क्रम अवेलेबल नहीं है। नहीं वो तो फिर कैसे होगा, मुझे आप बताइए ना। लेकिन आप एक बात मैं बताता हूं, और अभी क्योंकि नेक्स्ट अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके साथ मैं बात कर पाऊंगा, तो अभी एक एक वेबिनार ड्यू है कि संस्कृत शास्त्री क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप उसमें आए, और प्रोफेसर वी के कॉल दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही विल बी डिलीवरिंग द लेक्चर ऑन दिस। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सारी चीजों के हमने सर्वे कैसे करना है, आप इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा, टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। और अभी जो हम बहुत जल्दी टेकअप करने जा रहे हैं संस्कृत शास्त्री क्रिटिक ऑफ, ये 22 तारीख को है लेक्चर, संस्कृत शास्त्री क्रिटिक ऑफ डार्विन फ्रॉयड एंड मार्क्स, और उसको प्रोफेसर जी मैं जरूर चाहूंगा कि आप संस्कृत शास्त्री समीक्षा उसकी सुने जी, मोस्ट वेलकम। और एक इकोनॉमिक्स तो मेरा खुद का प्रिय विषय है, और मैं जरूर चाहूंगा कि आपके साथ मैं संपर्क में रहूं और इन विषयों पे बात करें, और देखें कि हमारा मॉडल, मैं आपको 3 मॉडल्स दूंगा जो कि भारतीय परंपरा से हैं, और आपके जो इंडस्ट्री बेस्ड और सप्रेशन बेस्ड मॉडल्स इकोनॉमिक्स के उभर के आए हैं, देखते हैं कि उन दोनों में वेलबींग का मॉडल बेसिकली कौन सा है, कि कौन सा प्लेटिस पे है, कौन सा किस चीज पे बेस्ड है, वायलेंस बेस्ड है, उसको हम देखेंगे। जरूर चर्चा करूंगा डॉक्टर साहब आपके साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, और आपका तो मैं फैन ही रहा हूं कि आपके वक्तव्य जो है, आपके आर्गुमेंट्स बहुत सटीक होते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और किसी की कोई टिप्पणी हो और कोई अपनी बात रखना चाहता हो, अपनी किसी तरह का भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, या जो आपको उचित लगे, मोस्ट वेलकम। जब तक आप में से कोई विचार करता है तो मैं तब तक बता देता हूं कि परसों 22 तारीख को संस्कृत शास्त्री क्रिटिक ऑफ डार्विन फ्रॉयड एंड मार्क्स, इसके ऊपर है वेबिनार, तो आप में से जो लोग भी करना चाहें मोस्ट वेलकम। और उसके 25 तारीख को हम साइकोलॉजी का जो पूरा एक वर्कशॉप 2 दिन की लगा रहे हैं, कि पूरा साइकोलॉजी का एक अल्टरनेटिव सिस्टम हमने तैयार कर लिया है, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल और काउंसलिंग टेक्निक्स ये सारे उसमें हम डिस्कस करेंगे, और उसको प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जो कि टॉप मोस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो इसको कंडक्ट करेंगे, और सारा इंडियन नॉलेज सिस्टम बेस्ड है। तो और बहुत सारे विषय हैं जिनके ऊपर हमने काम किया है, सर्वेक्षण है, लेकिन हमने सर्वेक्षण को कभी देखा ही नहीं कि भाई इंडियन पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, भारतीय पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं। अब आपको एक मजेदार बात भी बता देता हूँ, यहाँ पे एक वुमेन स्टडीज लिखा हुआ है, आप में से कितने लोग वुमेन औरत और स्त्री के अर्थ को जानते हैं, वुमेन औरत और स्त्री, और यदि सचमुच आप जानते हैं तो आप ना तो वुमेन शब्द का कभी प्रयोग करेंगे और औरत को तो कभी प्रयोग ही नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब रविंद्र कुमार गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी प्लीज डॉक्टर गुप्ता जी, पॉलिटिकल साइंस से जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। रविंद्र जी, और उसके बाद रमेश कुमार, डॉक्टर रमेश कुमार जी, मुझे लगता है रविंद्र जी अभी नहीं अनम्यूट कर पा रहे, तब तक डॉक्टर रमेश कुमार जी प्लीज आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर लें। रमेश कुमार सुखीजा जी, सर प्लीज अनम्यूट करें अपने को। रमेश कुमार सुखीजा जी, सर प्लीज अनम्यूट जी। रविंद्र जी आपने कर लिया तो आप ही कर लें पहले बात, आवाज नहीं आ रही, या तो कोई दिक्कत होगी, किसी और की कोई टिप्पणी है हमारे साथ सांझी करने वाली तो प्लीज आप कर सकते हैं, ताकि फिर जी प्राच्य विद्या से अपना परिचय दे करके आप प्लीज अपनी बात हमारे साथ साझा करें। अनम्यूट करें पहले अपने को सर। नमस्ते जी। नमस्कार। कभी
विद्वान जनों को नमन। मेरा नाम अखिलेश चंद शर्मा है। आज मैं ये दूसरी आईडी से इसमें लॉगिन किया है। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगता है और आश्चर्य भी होता है कि अब इतिहास के विद्वान और जो एकेडमी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी भारतीय शास्त्रों को वास्तविक मानने लगे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे वामपंथी भाई भी उनको तवज्जो देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये मुझे लग रहा है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ये उत्कर्ष है। मैं सभी लोगों को और इस मैनेजमेंट कमेटी को, जो भी विद्वान आए हैं, सबको नमन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जी। किसी और का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी है तो हम लेते हैं, नहीं तो फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता जी को आमंत्रित करूंगा। वैसे मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, जो आपने बात कही है, देखिए वामपंथी होना कोई गलत या अनुचित नहीं है। बहुत बेहतर लोग, जो बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, वही हैं। मैंने उनसे आर्गुमेंट करने का तरीका सीखा है। उनके आर्गुमेंट करने के तरीके बहुत सही होते हैं, सटीक होते हैं, जो कि हम लोगों के अक्सर नहीं होते। तो इसलिए वो भी उतने ही हमारे लिए आदर के पात्र हैं। केवल वो संस्कार करने की बात है, थोड़ा सा संस्कार हो जाएगा तो वो वामपंथ या दक्षिणपंथ कुछ नहीं होता ऐसा। चलिए चलिए, मैं मुझे लगता है कि और किसी का कोई अभी टिप्पणी हमारे पास नहीं है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुष्मिता जी को, जो कि डायरेक्टर हैं गुलजारीलाल नंदा सेंटर फॉर एथिकल स्टडीज। तो उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो सबका धन्यवाद ज्ञापन करें और फिर उसके बाद इस सभा को हम यहीं पे पूर्ण करेंगे। डॉक्टर आशुतोष, थैंक यू सो मच। बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग आज का वेबिनार रहा। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी अपने आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी का, हमारे वाइस चांसलर, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप से विषय निरूपण किया और हमें आशीर्वाद दिया। हमारे आज के कीनोट स्पीकर मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी, बहुत ही वाइब्रेंट और स्पष्टवादी आपके विचार रहे और उसी का नतीजा है कि हमें प्रतिक्रियाएं भी मिली। जैसा कि हमारा सेंटर जाना जाता है, नंदा जी एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी रहे, दक्ष प्रशासक रहे और एक समर्पित राजनेता रहे, और अपने कार्य और वचनों के द्वारा जीवन में उन्होंने नैतिक मूल्यों को प्रस्तुत किया। मैं समझती हूँ इस तरीके के वेबिनार एक सच्ची श्रद्धांजलि है ऐसी व्यक्तित्व के लिए। और डॉक्टर आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कोलैबोरेशन से हम आज का ये वेबिनार संपन्न कर सके। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त, जिनमें संस्कृत की हमारी प्रोफेसर विभा अग्रवाल, डॉक्टर रामचंद्र, प्रोफेसर कृष्णा रंगा, जितना मैं देख पा रही हूँ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर अशोक, और इन सब के साथ बहुत से बाहर से विश्वविद्यालय के से हटकर भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं या अदरवाइज, और ना केवल टीचर्स, स्टूडेंट्स ने भी आज इसमें भाग लिया। ये एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जब इस तरह की सोच से जुड़ती है तो एक आशा की किरण हमें दिखती है। मैं चाहूंगी भविष्य में भी हम इस श्रृंखला को जारी रखें और हमारा जो ये कोलैबोरेशन है ये इसी तरह बना रहे। वंस अगेन थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। हमारे जो यूनिवर्सिटी का आईटी सेल है, इन्होंने आज हमारा बहुत सहयोग किया इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में, ताकि हम आपके साथ निर्विघ्न पहुंच सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट विशेष रूप से, जो आज हमारे साथ पूरे मन से जुड़े रहे। धन्यवाद। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम शुचि जी, मेरे लिए ये बड़ा सुखद अनुभव रहा है। लगभग 35 वर्ष जो है वो मैंने
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर जो एसटी कॉलेज है वहाँ काम किया है, और इस कॉलेज के की वजह से कुरुक्षेत्र के साथ मेरा एक अपनी तरह का ही संबंध रहा है। और निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि अगर हम इस बात को थोड़ा सा और हम विचार कर लें और सम्मति ले लें और थोड़ा सा डिस्कस कर लें और फिर इस कार्य क्षेत्र को हम अग्रसर करें, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले इस सारे विषय को लागू किया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। तो अगर ये संभव हो तो हम कुछ वर्कशॉप जो हैं इन इश्यूज के ऊपर कंडक्ट करें, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई साइकोलॉजी के ऊपर, वुमेन स्टडीज के ऊपर और बहुत सारे अपकमिंग इश्यूज हैं। और एक इशू को मैंने अभी आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में शेयर किया है जो कि 22 तारीख का है, अगर आप लोगों के पास समय हो तो जरूर उसको ज्वाइन करें। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, कोशिश करें कि हम लोगों का ये प्रयत्न रहेगा कि कम से कम 5 नंबर का 10 नंबर का जो है वो हम अपने अपने सिलेबसिस में, अपने अपने सब्जेक्ट्स में इन विषयों को डालें। इसको एक अलग से सब्जेक्ट करके जब आप पढ़ाते हैं तो मैंने देखा है कि कॉलेजेस में होता क्या है, कि हम करना क्या चाह रहे हैं और वहाँ वस्तुस्थिति क्या है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को अगर सचमुच लेटर और स्पिरिट में हम लागू करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इस विषय पे बहुत गंभीरता से काम करना चाहिए। इस IKS को पूरी तरह डिफाइन करें, इसको थियोराइज करें और इसके प्रैक्टिकल्स को भी हम बना करके दें और उसमें टीचर्स की ट्रेनिंग करें ताकि वो लोग इस सारे विषय को अग्रसर कर सकें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक विषय जो अभी मैं टेकअप करूंगा बहुत जल्दी ही, वो है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी मास कम्युनिकेशन वालों का सब्जेक्ट है, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी काम कर लिया है, वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और आप लोग संपर्क में रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, और जनरल साहब का बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं अब।